पढ़ाई से जुड़ी कोई भी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बजा के उसका नोटिफिकेशन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल ई विद्यालय पे। मैं अभिषेक स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल ई विद्यालय पे। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देख के जान गया होगा कि ये वीडियो किस बेसिस पे है और इसका क्या पर्पस है वीडियो बनाने का। आप लोगों की तरफ से कुछ क्वेश्चंस हमारे पास आ रहे थे कि सर आप ऑनलाइन या पार्ट टाइम जॉब के लिए कुछ हमें सजेशन दें, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस पे एक वीडियो बनाई जाए। और आप लोगों के लिए मैं ये खास कर उन बच्चों के लिए है कि जो कि स्टूडेंट हैं और जो अनएम्प्लॉयड हैं, और आप ये मान सकते हैं कि जो अभी कुछ नहीं कर रहे हैं फिर भी उनको पैसे की ज़रूरत है, क्योंकि पैसे की ज़रूरत हर सभी को है। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंत में मैंने कुछ टिप्स दिया है कि आप लोग कैसे पैसे अर्न करें। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। वेलकम टू ई विद्यालय। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ कि पार्ट टाइम जॉब कैसे करें, और जो बच्चे बिल्कुल भी नए हैं, जो कभी भी आज तक काम नहीं किए हैं, जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मार्केट में ऐसे बहुत सारे जॉब हैं जो आप आसानी से मिल सकते हैं और आप आसानी से कर सकते हैं। आप जैसे कि आप स्कूलों में पढ़ रहे होंगे अभी हायर क्लासेस में, या हो सकता है कुछ बच्चे ग्रेजुएशन कर रहे हों, जैसे कॉलेजेस में पढ़ रहे हों, तो उनके लिए शाम का वक्त जो होता है वो काफ़ी मिल जाता है, और काम करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा 4 घंटे की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि आप माने तो 5 बजे से लेके आप 9 बजे तक काम कर सकते हैं, 8 बजे तक काम कर सकते हैं। तो कुछ काम ऐसे हैं मैं बताऊंगा कि आप अच्छा पैसा अर्न कर सकते हैं। जैसे कि मैं अमूमन बात करूं तो आप करीब करीब 10 से 15 हज़ार रुपये पर मंथ के हिसाब से आप कमा सकते हैं। तो मैं सबसे पहले बात करूंगा उन जॉब्स के बारे में कि आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला जॉब आपको मैं बताना चाहूँगा कि आप फूड डिलीवरी बॉय बन सकते हैं, जो आज के डेट में एक टॉप मोस्ट जॉब के रूप में उभर रहा है। जो फूड डिलीवरी जॉब्स में जैसे कुछ वेबसाइट्स हैं, जैसे कि आप जानते होंगे जोमेटो है, स्विगी है, फूड पांडा है, ये सब फूड डिलीवरी बॉयज़ को हायर करते हैं और इनको पर डिलीवरी इनको चार्ज करते हैं। तो मैं इसका कुछ शॉर्ट प्रोसीजर बताता हूँ आपको। जैसे कि आप ये समझें कि आप एक डिलीवरी कर रहे हैं तो आपको 30 से 40 रुपये का बेनिफिट हो रहा है। तो अगर आप दिन भर में करीब 10 डिलीवरी अगर आप कर ले रहे हैं तो आप जोड़ सकते हैं कि दिन भर में आप कितना कमा सकते हैं। ऊपर से इस डिलीवरीज पे आपको टिप्स भी मिलते हैं। हो सकता है 10 डिलीवरी पे 5 डिलीवरियों पे आप पूरा टोटल आपने 10 डिलीवरी दिन भर में की तो आपको 5 डिलीवरी पे टिप मिल गई। तो हो सकता है 10 रुपये 20 रुपये जो भी जैसे भी होगा, जिस हिसाब के कस्टमर होंगे उस हिसाब से आपको टिप्स मिल सकते हैं। तो आप अमूमन 500 रुपये से 1000 रुपये तक आप दिन भर में कमा सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अब मैं बात करूंगा कि सेकेंड जॉब के बारे में। जैसे कि वो जॉब नहीं कह सकते हैं, वो एक फ्रीलांस काम कर सकते हैं। जैसे कहने का मतलब कि आपने कोई छोटा मोटा बिजनेस के तौर पे उसको ले सकते हैं। आप ट्यूशन पढ़ा सकते हैं दोस्तों। अगर आप 12th के स्टूडेंट हैं या आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जैसे कि बीकॉम, बीटेक या बीबीए, जो भी कुछ कर रहे हो आप, तो या इनफैक्ट इससे कोई मैटर नहीं करता कि आप 12th में क्या लिया हुआ था, बीकॉम लिया हुआ था कि मैथ्स लिया हुआ था। ठीक है, आप हाई स्कूल तक के बच्चों को यानी कि 10th तक के बच्चों को बिल्कुल भी निश्चिंतता से आप एकदम पढ़ा सकते हैं। तो आप अगर शहरों में रहते हैं तो आप 10th तक के बच्चों को बिल्कुल अच्छे पैसे पर मंथ के हिसाब से आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए आप 5 बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं और अगर आप 3 सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं तो आप 1500 रुपये ले सकते हैं पर हेड, और 1500 के हिसाब से अगर आप 5 बच्चे से 10 बच्चे कर लेते हैं तो आप जोड़ सकते हैं कि आप कितना पैसा कमा सकते हैं दोस्तों। तो आप अगर अपना शाम का भी समय दे दे रहे हैं तो बहुत अच्छा पैसा अर्न कर सकते हैं पूरे मंथ में। ठीक है, दूसरी जॉब तो कंप्लीट हो गई, अब तीसरी जॉब के बारे में बात करते हैं कि तीसरा जॉब आप क्या कर सकते हैं दोस्तों। तीसरा जॉब आप कर सकते हैं फोटोग्राफी। जैसे कि कुछ बच्चों के अंदर पैशन होता है कि फोटोग्राफी करें, और कुछ बच्चे नहीं भी करते हैं, नहीं भी आता है, तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। फोटोग्राफी कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं होता है। अगर आपके पास एक अच्छा मोबाइल फ़ोन भी है, अच्छा फ़ोन, स्मार्टफोन आपके पास है, या आपके पास कोई कैमरा है, कैमरा है तो बहुत अच्छी बात है, कोई भी DSLR बहुत महंगा ना हो, ठीक ठाक हो, और या आपके पास कोई अच्छा स्मार्टफोन हो तो आप फोटोग्राफी भी कर सकते हैं। तो फोटोग्राफी में दोस्तों आप फोटोग्राफी करके क्या करेंगे, सवाल उठता है कि फोटोग्राफी करके आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ लिंक दूंगा, कुछ वेबसाइटों का लिंक दूंगा जो कि आप फोटोग्राफी करके उनका इमेज आप सेल कर सकते हैं, वो फोटो आप सेल कर सकते हैं। उन फोटोज पे
आपको अच्छा खासा अर्न हो जाता है। आपको सारी डिटेल उस वेबसाइट पे विजिट करके आपको मिल जाएगी। मैं उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से उस वेबसाइट पे विजिट करिए और देखिए कि किस तरह के रीजन में किस तरह का पैसा मिल रहा है। यानी कि अगर आप फॉरेन कंट्रीज में अगर उसको सेल करते हैं तो उसका अच्छा खासा पैसा मिलता है, अगर इंडिया में बेचते हैं तो उसको इनकम्पेरेटिवली फॉरेन कंट्रीज से कुछ कम पैसा मिलता है। तो आप ध्यान में रखिएगा कि आप किस कंट्री में रख के बेच रहे हैं, और आपकी फोटोग्राफी बहुत अच्छी होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो बात करते हैं आगे के लिए। तो आगे आप सबसे अच्छा काम आज के डेट में है डेटा एंट्री का काम दोस्तों। जैसे कि डेटा एंट्री दो तरह का होता है, एक ऑफलाइन होता है एक ऑनलाइन होता है, ठीक है। तो मैं ऑफलाइन की बात करूंगा क्योंकि ऑफलाइन में आपको चांसेस बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं, क्योंकि ऑफलाइन में आप जो भी काम करेंगे वो जो ओनर होगा बिजनेस का, जो आपसे डेटा एंट्री का काम करवा रहा है उस बिजनेस का, तो आपके व्यवहार पे आपके नेचर पे वो ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा वहाँ पे। क्योंकि ऑनलाइन में आपको तो वो जो बिजनेस ओनर है वो आपको देख नहीं रहा है, आपको समझ नहीं रहा है, मगर ऑफलाइन में आप ओनर से डायरेक्टली बात कर सकते हैं, आप उसके काम को बखूबी अच्छे से कर सकते हैं। तो डेटा एंट्री का काम दोस्तों ये होता है कि इसे मान लीजिए कि मैं एक बात करूँ, छोटे से एग्जाम्पल, कोई एक छोटा बिजनेस है और वहाँ पे लेन देन या कोई भी सेल परचेजिंग हो रही है, अगर तो आप ओनर आपको कहेगा कि आपको कोई चार्ट वगैरह दे देगा या कंप्यूटर पे या कोई भी सॉफ्टवेयर आपको दे देगा और उस पर सेल और परचेज का जो डिटेल है उसको आपको एंट्री करना होगा। या और भी सारे बहुत सारे काम होते हैं जो छोटे बिजनेसों में या बड़े बिजनेसों में यूज़ होते हैं, आप उसका डेटा फिल कर सकते हैं, तो इसी को डेटा एंट्री का काम कहते हैं। अगर आपको इसके बारे में और डिटेल जानना है तो आप हमें कमेंट करके बताएं, मैं इसके पे वीडियो बनाऊंगा आपको और समझाऊंगा कि क्या होता है, ठीक है। तो बात करते हैं अगली जॉब की। अगले जॉब के बारे में बात करें दोस्तों, तो अगला जॉब आप लोगों के लिए बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि मैं खासकर उन बच्चों के बारे में बात कर रहा हूँ जो स्केचिंग करते हैं या पेंटिंग करते हैं या कला में उनका रुचि है। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको अदर एक्टिविटीज़ में ज़्यादा प्रभाव होता है, यानी प्रतिभाशाली होते हैं अदर एक्टिविटीज़ में। तो मैं उन बच्चों के बारे में बात करूँगा जो स्केचिंग या पेंटिंग वगैरह करते हैं। तो मैं इसके बारे में बताऊं, जैसे दोस्तों आप लोगों ने एनिमेटेड मूवीज़ देखी होंगी, तो एनिमेटेड मूवीज़ में दोस्तों जो भी मूवी बनती है वो स्केचिंग के थ्रू बनती है, यानी कि पेंटिंग के थ्रू या स्केचिंग के थ्रू बनती है। तो इसमें बहुत अच्छे अच्छे स्केचर और बहुत अच्छे अच्छे पेंटर लगे रहते हैं जो कि हर एक सीन का पेंटिंग बना के आप कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में डालते हैं और उन सीन्स को जोड़ के एक पूरी क्लिप बनाई जाती है। तो दोस्तों आपको मैं ये जॉब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कुछ ऑनलाइन वेबसाइट अप्रोच कर रही हैं उन स्केचर्स को जो कि वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं वो, और वो क्या कर सकते हैं, अपना स्केच बना के उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से स्केच बना के और उस वेबसाइट पे अपलोड कर देंगे तो उनको वेबसाइट कुछ पैसे पेमेंट करेगी। जैसे कि मान लीजिए कि अगर वो कम से कम भी देगी तो 300 रुपये से 500 रुपये पर स्केच के हिसाब से वो दे सकती है। तो दोस्तों मैं जो भी वेबसाइट जो डिमांडिंग वेबसाइट्स हैं मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और जो बच्चे स्केचिंग और पेंटिंग बहुत अच्छा करते हैं वो उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि उनको वहाँ पे उनकी मेहनत का, उनके जो परिश्रम कर रहे हैं, जो स्केचिंग कर रहे हैं, उनके मेहनत का फल पूरा पूरा मिलेगा वहाँ पे। और दोस्तों घबराने की बात नहीं है, आप कोई भी काम करिए, कोई भी काम छोटा नहीं होता है दोस्तों। आज के डेट में कितनी भी कंपनियाँ आज पैदा हुई हैं और वो छोटे स्तर से ही बड़ी हुई हैं, और ऐसा नहीं है कि कोई पैदा होते ही बहुत बड़ा बहुत पैसा वाला बन जाता है, ऐसा कोई नहीं है। अगर है तो बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि आज कल बड़े घर में पैदा हो जाते हैं तो उनके पास पहले से पैसा। दोस्तों हमारे देश में बात करें तो पैसा कमाना बहुत ही टफ टास्क है आज के डेट में। मैं कुछ जॉब्स के बारे में और वीडियो बनाना चाहता हूं, अगर आप कमेंट करके हमें बताएं कि सर आप हमें इस तरह के जॉब्स के बारे में बताइए, अगर आपको किसी और तरीके का वीडियो अगर चाहिए तो आप हमें प्लीज़ हमें बताएं, प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं। और दोस्तों धन्यवाद इस तरह के सपोर्ट और इस तरह के प्यार देने के लिए हमको, ऐसे ही हमारे वीडियोस को देखते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो तो खासकर प्लीज़ शेयर करें क्योंकि ये वीडियो बहुत सारे बच्चों के काम आ सकता है। तो दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं वीडियो के अंत में आप लोगों को कुछ बिजनेस टिप्स या पैसे अर्न करने के टिप्स बताऊँगा, तो उसका मैं एक स्क्रीनशॉट यहाँ पे वीडियो में मैं डाला हुआ हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं।